अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। मैं आज है ना सिस्मी पालक बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने पालक का इस्तेमाल करते हुए साथ में कैल्शियम से भरपूर सेंगदाने और ये तिल जो बहुत ही कारामद होते हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम भरपूर उसमें होता है और आयरन भी बहुत होता है। तो इसे मैं बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा साइज का प्याज काट के रखा है और 4-5 लहसुन है उसे पतले पतले स्लाइसेस काट के रखे हैं और 3-4 हरी मिर्च है और ये बड़ी मिर्च बाद में डालेंगे। इसमें तीखापन नहीं होता, सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं। और इसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे। एक तरफ देखिए मैंने फ्राइंग पैन रखा है, इसमें हम पहले ये ग्राउंडनट सेंगदाने को रोस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम जब वो रोस्ट हो जाएगा तो ये तिल को रोस्ट करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई रखी है, अब कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। 2 चम्मच तेल डालेंगे हम और तेल डालकर तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा जीरा, ये थोड़ा सा जीरा, जीरा लाल हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे कि तेल में लहसुन का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। देखिए अब ये देखिए लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज करने लगा। अब इसमें हम ये कटी हुई प्याज और ये हरी मिर्च डाल देंगे। इसे गोल्डन हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। इसके बाद मैंने ये पालक वॉश करके रखा है और ये मिर्च हम बाद में डालेंगे। देखिए इस अनियन का कलर थोड़ा सी चेंज होने लगा। अब ये धोया हुआ पालक इसमें डाल देंगे। और इसमें अब जैसे पालक का पत्ता थोड़ा कम होने लगे, क्वांटिटी कम होने लगे तो फिर इसमें हम नमक और हल्दी थोड़ा सा डालेंगे, आपको बताते हैं। अब ये सेंगदाने मैंने रोस्ट करके निकाल लिए और अब हम ये तिल को भी इसमें रोस्ट कर लेंगे और दोनों को अलग अलग रखेंगे। इसमें नमक थोड़ा सा और आधे से भी कम हल्दी लेंगे। हल्दी डालने से ये पालक के कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। नमक कम ही डालें क्योंकि पालक जो होता है नमकीन होता है और बाद में आप नमक चख के डाल लें। अब देखिए अब इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक पानी सूख ना जाए। इसे ढक कर धीमी आंच पे पकाएंगे। और ये तिल भी देखिए मैंने रोस्ट करके रख दिया है, गैस बंद कर देंगे, तिल रोस्ट हो गया है। और अब ये ग्राउंडनट, अगर आपको ये साबुत डालना है तो साबुत डालें, नहीं तो क्रश करके डालें। हम साबुत ही डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैंने ग्राउंडनट को सेंगदाने को क्रश कर लिया है और अब ढक्कन खोलकर देखते हैं। देखिए पालक ने पानी छोड़ दिया है। हम इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये आधा कच्चा आधा पक्का ही बहुत फायदेमंद होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम ये क्रश, ये जो बड़ी मिर्च कटी हुई थी ये डाल देंगे और ये जो ग्राउंडनट क्रश किया है मैंने ये डाल देंगे। ये डालकर थोड़ा 5 मिनट तक धीमी आंच पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मिर्ची भी नरम हो जाए। देखिए अब इसे हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे और ये देखो तेल सेपरेट होने लगा। अब हमारा पालक रेडी हो गया है, सेंगदाने भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम थोड़ा सी और कुक करेंगे ऐसा ताकि पानी जल जाए। इसके बाद हम आपको सर्व करके बताते हैं और तिल जो है लास्ट में डालना है जब पानी सूख जाए। देखिए अब इसमें पानी सूख रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा तिल डाल देंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे।
तेल डालकर चलाएंगे। अब देखिए एकदम पानी सूख गया और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर देंगे। अब हमने तिल को ऊपर से डाल दिया है। हमारा सिसमी पालक अब रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी डिश है और बहुत ही फायदेमंद डिश है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। शुक्रिया।